सर हमने इसलिए लगाया कि शनिवार के दिन तहसीलदार साहब को हमने लिखित दी थी पानी की समस्या हमसे जो वहाँ ट्यूबवेल के आसपास गड्ढे भरे वहाँ तक पानी हम लोगों ने खींच लिया, पानी नहीं है। उस दिन तो एक टैंकर पहुँच गया, कल कोई पानी नहीं मिला। हमने दो टैंकर की मांग की थी, तहसीलदार सर कह रहे थे कि हम दो टैंकर भेजेंगे, उसमें एक ही पहुँचा है। हमें टैंकर नहीं चाहिए, हमारी मोटर सही कराओ, कहाँ तक इतना परेशान होंगे। काम ही नहीं कर पाऊंगा, दूर जाकर कोई सुनाई नहीं, कोई सुनाई नहीं हो रही हम लोगों की। तो आज आपने कहाँ पे जाम लगाया? आज हमने तिराहे में बस अड्डे में, पर इसका नाम नहीं जानती हूँ कौन सा तिराहा ये। अभी तक कोई अधिकारी पहुँचा नहीं? पहुँचा कोई नहीं पहुँचा हमारे पास, अगर कोई पहुँचता है तो हम लोग इधर नहीं आते। ये चलते रे बताओ पहले इनको हम क्या कहते हैं, जो दूधा उतार के ठीक है। आसाम तक जो है कोशिश है पूरा आसाम तक। मोटर एक साल हो गई टूटी हुई, न मोटर आई है वापसी, और हमने अपनी चंदा करके 200 रुपए लेके एक मोटर डलाई, वो भी खराब हो गई, वो भी एक हफ्ते से बंद है, पानी नहीं आ रहा। क्या कभी टैंकर आता है? आता है कभी 2 दिन में, कभी 4 दिन में, कभी 1 दिन में, ऐसे आता पर डे नहीं आता, वो भी एक टैंकर। तो पानी भी कहा ऐसा ले आते हैं, कहीं जैसे गया टैंकर बचा हुआ कहा ले आओ, आधो टैंकर आओ, आधन के मिलो आधन के नहीं मिलो, वो भी मक्का चढ़ा पानी। बताओ गलत कह रहा हूँ? सही जाम है वो बचो भाव कहूँ से बरात नारायण को कॉलोनी में ठाणो कर दो, मतलब आदमी से राधी हो। गंदा पानी आ रहा, गंदा पानी आ रहा है। बता रहा है तुम्हारा जो 4-5 पाइप ही खराब है, आप पाइप में भी डरना है तो पाइप का व्यवस्था आज ही करवा रहे हैं, ठीक है। मोटर में सब पाइप बताओ कहूँ नहीं जाता जी, बाबा कहाँ की बात करी नाग वाले रोड लोग आए जी बात। मैंने जाम लगाया इसलिए लगाया क्योंकि वहाँ मेरे कॉलोनी में कहीं सिर्फ कॉलोनी में पानी की समस्या नहीं। मैंने भाई साहब डीएम साहब के यहाँ भी शिकायत भेजी, सीओ साहब को भी कह दिया, मैंने सब कहा कोई नहीं, किसी ने नहीं सुना। ये समस्या कब से बनी हुई है? ये भाई साहब कम से कम 5 महीने हो गया है, मोटर खराब पड़ी है। मैंने अब जो कॉलोनी के सब लोग हैं पैसा इकट्ठा करके मैंने छोटी मोटर रखवाई वहाँ पे, फिर भी वो खराब हो गई, उसको नहीं सुन रहे, वही से ही करवा कम से कम। एक टैंकर से भाई साहब पानी 30 बार आ रहा है, एक टैंकर में नहीं चल पाता वहाँ पे। अगर 30 लीटर पानी मिल जाएगा, 30 लीटर पानी में बच्चे हैं सब कोई नहीं नहा पाएगा। आज की ताजा खबर खाने के लिए परेशान कई बार तहसील भाई साहब, मैंने डीएम को भी कह दिया था, डीएम साहब से मैंने शिकायत कर दी थी, ईओ को डीएम साहब को सब मैंने सबको कह दिया, लेकिन किसी ने नहीं सुना। जाओ जाओ कहाँ लगा जाओ, कल डर जाएगी, वही मोटर वही आ जावे,